सिर्फ मेरा रिकैप देना है, जो सारा कुछ पढ़ा है। स्टॉप नहीं करना, स्टूडेंट को हम बता रहे हैं कि सर ऐसे पॉज करनी सर चला के उसके बाद दोबारा से आके सबसे ज्यादा जो आप लोगों को मेरी समझ में आया, अकाउंट क्रिएशन में प्रॉब्लम आई है, ठीक है, कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन सैलर सेंट्रल। ठीक है, अब मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो अकाउंट क्रिएशन होती है या अमेजन के ऊपर लिस्टिंग होती है, ये चीजें सबसे ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो अमेजन ने आपको एक बना बनाया फॉर्म देना है, ठीक है, जिसके साथ जो उसको रिक्वायर है वो उसमें लिखा हुआ है। आपने जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, व्हाट एल्स यू वांट। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में कोई आसान चीज नहीं है अकाउंट क्रिएशन का। ठीक है, अकाउंट क्रिएशन में ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड बना दी है, पावर पॉइंट स्लाइड। अब मेरे लिए स्टेप बाय स्टेप उसको करना, इसलिए हर स्टेप कम्प्लीट करना इसलिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, आपका कार्ड अटैच होता है, उसमें से प्रॉपर डिडक्शन होती है, हर चीज सबमिट होती है और अकाउंट क्रिएट हो जाता है। दिस इज द मेन हिंड्रेंस। आपके अकाउंट टाइप के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रही हैं, बिजनेस अकाउंट नहीं बना रही, तो आपकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होगी आपका PNIC या आपका पासपोर्ट। नंबर टू आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्यों रिक्वायर्ड होती है? जस्ट टू वेरीफाई योर एड्रेस। उन्होंने आपके बैंक स्टेटमेंट से आपकी वर्थ कैलकुलेट नहीं करनी कि आपके पास कितने पैसे हैं या कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो इसलिए नहीं मांगते। उन्होंने जस्ट आपका एड्रेस वेरीफाई करना होता है। फिर उसके अलावा आपको चाहिए होता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो एक्टिव हो, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर उसको अटैच करते हैं $1 देन एंड देयर डिडक्ट हो जाता है। अमेजन उसको फॉरन वेरीफाई करता है कि ये एक्टिव कार्ड इन्होंने अटैच किया या नहीं किया, ठीक है। और उसके अलावा जो चीज़ चाहिए होती है वो फोन नंबर होता है। ये चार चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं फॉर योर इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। और जब आप जी हाँ जी फर्स्ट पेज पे जहाँ पर आपका एड्रेस शो हो रहा है, नेम एंड एड्रेस, ठीक है। और अगर आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें आपका बिजनेस की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसका डॉक्यूमेंट होता है वो जाएगा, आपकी बिजनेस की बिजनेस नेम पे जो बैंक अकाउंट है विद एड्रेस वो जाएगी, आपका NTN जाएगा, फोन नंबर जाएगा, एड्रेस जाएगा। जी मैं आपको उस पर बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको क्या हैसल्स आएंगे, उसके लिए आपको बिजनेस टाइप्स का जानना जरूरी है कि हम अमेजन के ऊपर क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। नंबर वन है प्राइवेट लेबल,
नंबर टू है एफडीए होलसेल, फिर है आर्बिट्राज है, जी एफडीए होलसेल है। एफडीए होलसेल में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस आनी है आपको अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल्स बनाई। हिंड्रेंस आएगी देखिए आपकी जो पाकिस्तानी डिटेल्स होंगी ना, जब आप एफडीए होलसेल करेंगे तो आप तो अपनी बिजनेस डिटेल पे करेंगे, ठीक है। जो होलसेल बिजनेस होता है वो हमेशा बी टू बी होता है, ठीक है। उसमें आप इंडिविजुअल अकाउंट बना ही नहीं सकते, नहीं बना सकते, आपने उसको बिजनेस नेम से चलाना है। बिजनेस इंडिविजुअल अकाउंट से आप आर्बिट्राज कर लें, आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, आप प्राइवेट लेबल कर लें। प्राइवेट लेबल भी नहीं होगा, प्राइवेट लेबल के लिए भी आपको जाहिर है कि वो बनानी है ब्रांड रजिस्टर करवानी है, तो ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो कंपनी उसके लिए लाजमी चाहिए आपको। ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज जो अब हम इसकी बात कर रहे थे एफपीए होलसेल की, ठीक है। बी टू बी मैंने आपको कहा कि आपकी पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी की बेस पे जब आप अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यूके की किसी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर किसी के पास अप्रूवल के लिए जाएंगे ब्रांड के पास, तो पाकिस्तान देखेगा वही क्रॉस। आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, आपके पास सामान नहीं आएगा, आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, तो आप क्या बेचेंगे। ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं बट यू वुड बी ऑन हाई रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। इट वेरीज ऑन द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ये हर केस में नहीं होता। आपका अकाउंट किस बेस पे डीएक्टिवेट हुआ है वो आपको प्रॉपर ईमेल आ जाएगी। अगर तो उसमें कोई गुंजाइश बनती हुई, आपने वो चीज़ उसको प्रोवाइड कर दी, तो वो आपको आपके पैसे भी रिटर्न कर देगा, और अगर हो सके तो अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा, अदरवाइज अकाउंट बंद हो जाएगा। सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, पैसे नहीं आपके जाते क्योंकि। और इसी तरह प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल भी आप पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी पे कर लें, लेकिन उसमें आपको टैक्स इश्यूज बहुत आते हैं, ठीक है। अगर आपने यूके में किया है, यूके में सबसे बड़ा मसला होता है वैट का, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है। तो अगर जो पाकिस्तानी कंपनीज होती हैं वो 1 ईयर के लिए उसको विदाउट वैट करवाती हैं, फिर जब उनकी इतनी सेल्स हो जाती है फिर उसको वैट पे कन्वर्ट कराती हैं, तो उसमें काफ़ी मसले होते हैं। इसी तरह यूएसए में भी आते हैं। तो ये हैसल्स हैं, अकाउंट तो क्रिएट आपका हो जाएगा, वो मसला ही है, लेकिन आपको फर्दर जब जाहिर है आप बिजनेस कुछ अरसे के लिए तो नहीं ना करना चाह रहे, आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना है, उसमें आपने टैक्स देखने हैं, उसकी उनकी चीज़ों की वैलिडिटी देखनी है, आपको कहाँ पर ज़्यादा फिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपने देख के फिर ही चलाना है ना बिजनेस को लॉन्ग टर्म, ठीक है। अच्छा जी क्या डिस्कस कर रहे थे पहले, हाँ जी अकाउंट क्रिएशन का हम लोग बात कर रहे थे। तो अकाउंट क्रिएशन के लिए मैंने आप लोगों की ये स्लाइड बना दी है स्टेप बाय स्टेप, और मैं इसको पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसके सारे स्टेप्स हैं। सेटिंग अप अकाउंट ऑन सेलर सेंट्रल अमेजन, ये इसका पहला स्टेप है। इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आएगी। सेकेंड वन है क्लिक ऑन लर्न मोर फॉर फ्री अकाउंट और क्लिक ऑन साइन अप। चूज बिटवीन इंडिविजुअल और प्रोफेशनल सेलर अकाउंट, यहाँ पर देखें जो इंडिविजुअल, ये प्लान है बेसिकली, दीज आर नॉट अकाउंट टाइप्स, ठीक है। जो इंडिविजुअल प्लान है उसमें 0.99 आपके डिडक्ट हो रहे हैं, ये मैं अपलोड कर दूंगी पोर्टल पे, डोंट टेक पिक्चर्स। यहाँ से ये वाली जो स्क्रीन है, अगर तो आपने पहले कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो आप इस जगह से जाके लॉग इन करते हैं, अदरवाइज क्रिएट योर अकाउंट पे जाते हैं, राइट। यहाँ से आपको जो आपका जीमेल आपने अटैच किया होता है उसके ऊपर नोटिफिकेशन जाता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। वंस यू प्रूव द नोटिफिकेशन यू विल बी ऑटोमेटिकली टेकन टू द स्क्रीन, ये स्क्रीन आपको नजर आएगी जिसमें वो आपके बिजनेस से रिलेटेड पूछेगा कि किस तरह का आपका बिजनेस है या आप इंडिविजुअल सेलर। ये सारे स्टेप्स मैंने इसमें लगा दिए,
ठीक है, कुछ रह गए वो भी मैं ऐड कर देती हूँ साइड बाय साइड, ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ मोटिवेशनल स्पीच कर रही हूँ, ठीक है। जब आप लोग एज अ विजुअल असिस्टेंट रिमोटली काम करते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? किसकी? नहीं, क्लाइंट आपके पास है, आपके पास काम भी है, उसके बाद किस चीज की जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक? यू नीड टू बी टेक सेवी। आप लोगों को बहुत सारी चीजें खुद करनी आनी चाहिए, ठीक है। इट डजेंट मीन कि मैं कुछ चीजें अवॉइड कर रही हूँ। देखें, जब आपने काम करना है अमेजन के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करना है, आपको 1001 मसला आना है, ठीक है। तो अब वहां पर आप क्या करेंगे? देयर इज नो वन टू गाइड यू। आप लोग 100 बार आए उसमें कोई इशू नहीं है, बट जब आप लोगों ने इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम करना है, आप लोगों को बहुत सारे मसले आने, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर डीमोटिवेशन भी आ सकती है कि ये क्या मुसीबत मैंने सर ले ली, ठीक है। तो बताने का ये मतलब है कि चीजों को, अब मेरे पास एक बच्चा आया, वहां पर मैं बैठी हुई थी, ठीक है, ही इज नॉट एट ऑल रीडिंग द वेबसाइट। पूछी जा रहा है। आप लोग अपने अंदर सबसे पहले हैबिट डेवलप करें वेबसाइट को, पेज को रीड करने की, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वेबसाइट को रीड करना सीखें कि वेबसाइट पे कोई चीज कहाँ पर होती है। स्पेशली इन योर केस, इफ यू आर डूइंग एफबीए होलसेल, एफबीए होलसेल में जब भी आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पर जाते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पर जाते हैं, होलसेलर की वेबसाइट पर जाते हैं, आपको पूरी वेबसाइट पढ़नी पड़ती है। इवन वो जो एंड पे होती है, वो होते ना कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, सर्विसेज, होलसेल अकाउंट, ट्रेड अकाउंट, आपको वो हर चीज पढ़नी पड़ती है। फिर आप किसी कंक्लूजन पे जाते हैं कि क्या मैं इनके साथ अकाउंट बना सकता हूँ या नहीं। फिर जब आप उनके साथ होलसेल अकाउंट पर जाते हैं क्रिएशन पे, फिर आगे मजीद फर्दर फॉर्म्स खुल जाते हैं जिसमें अजीबो गरीब से सवाल होते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट को थॉरो पढ़ा करें, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग, आधी अंडरस्टैंडिंग तो वहीं से आ जाती है। अगर वेबसाइट को देखे तो घबरा जाएंगे कि ये क्या है, फिर तो काम नहीं होगा, ठीक है। और आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, अब एनीवन हु कैन एक्सप्लेन ड्रॉप शिपिंग, कोई कर सकता है ड्रॉप शिपिंग को एक्सप्लेन कि ड्रॉप शिपिंग है क्या? हाँ जरूर, इसमें शायद इसकी क्या बात है, आपस में डिस्कशन हो रही। नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज का पता होना चाहिए? सोर्सिंग वेबसाइट का, ठीक है। यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है। अगर आपके पास Amazon USA का अकाउंट है, eBay USA का अकाउंट है, Shopify का अकाउंट है, आपके पास कोई भी मार्केट प्लेस है, यू मस्ट बी क्लियर कि आपने चाइना से ड्रॉप शिपिंग करनी है या आपने लोकली करनी है, अपने अमेरिका से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है स्टेप? सोर्सिंग वेबसाइट का पता होना चाहिए। नंबर टू, उस सोर्सिंग वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होने चाहिए कि वो कितने दिनों में शिप करते हैं, किस तरह से शिप करते हैं, किन कोरियर कंपनीज के साथ शिप करते हैं, ठीक है, जैसे उनके चार्जेस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर फिर आप अपनी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं। आपने वो शिपिंग भी ऐड करनी है, आपने सोर्सिंग प्राइस भी ऐड करनी है, आप अपने अपनी प्लेटफॉर्म फी भी ऐड करनी है, अपना प्रॉफिट भी ऐड करना है, चार पांच चीजें ऐड करके फिर आपने अपनी प्राइस उसके ऊपर लगानी है। पांचवी छठी चीज, आपने कंपेटिटर्स को भी देखना है कि मैंने बहुत ज्यादा प्राइस तो नहीं लगा दी, कंपेटिटर्स कम भी बेच रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा में बेच रहा हूँ तो कोई मुझसे क्यों लेगा, ठीक है। तो नंबर वन पर आ गई आपके पास सोर्सिंग वेबसाइट, नंबर टू आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, शिपिंग, ये सारी चीजें बतानी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास तीसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट चीज आती है,
product hunting. You must be very clear about what you are going to sell, right? आपको अपनी नीश पता होनी चाहिए कि हमने पेट में जाके सेल करना है, हमने बेबी टॉयज में जाके सेल करना है, हमने क्लॉथ सेल करने हैं, हमने बैग सेल करने हैं, या हमने हर तरह की मिक्स आइटम्स में जाना है, ठीक है? तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स का आइडिया होना चाहिए, आपको अपने कंपेटिटर्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है? आपको दो तीन तरह के कंपेटिटर्स मिलेंगे. नंबर वन वो टाइप के मिलेंगे जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे, ठीक है? आज़ाहर है आपका उनके साथ ही कंपटीशन होगा. कुछ ऐसे होंगे जो कि इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस कर रहे होंगे, जिनके पास लोकली वेयर हाउस में इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स पड़ी हुई होगी, ठीक है? तो आपने उन दोनों को स्टडी करना है कि ये कितने टाइम में जा रही है इसकी चीज़ कितना टाइम में जा रही है, मैंने आगे कैसे शिप करनी है, ये सारा आपने आइडिया लगाना है. टूल्स जो होते हैं ना वो आपको प्रोडक्ट तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद आपकी अपनी असेसमेंट होती है. हाँ जी, वो आपने इंडिविजुअल सेलिंग के अंदर इंडिविजुअल लिस्टिंग के अंदर जाके आपने चेक करना होता है, आपको फौरन पता चल जाता है. टूल्स नहीं बताते, टूल्स जो है तो होते हैं ना वो ब्रांड बता देंगे, ठीक है? उस ब्रांड के अंदर जाके हम सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये टूल्स नहीं हमें बताएंगे, ये हम इंडिविजुअल लिस्टिंग चेक करते हैं, ठीक है? अब दोबारा हम ड्रॉप शिपिंग पर आ जाते हैं. आप लोगों को सोर्सिंग पता होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए. नंबर थ्री पे मैंने क्या बताया आपको, प्रोडक्ट हंटिंग का पता होना चाहिए, अपनी नीश का पता होना चाहिए. उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पर आ जाना, ठीक है? लिस्टिंग आप दो तरीके से करते हैं ड्रॉप शिपिंग की, मैनुअल एंड थ्रू लिस्टर टूल, ठीक है? लिस्टर टूल के थ्रू लिस्टिंग बहुत ईजी होती है, जस्ट सिंगल क्लिक से आपकी लिस्टिंग हो जाती है. प्लस जो आपका लिस्टर टूल है वो आपको ये भी बताता है कि ये वीरू प्रोडक्ट है या नहीं. एक टर्म यूज होती है कि ये मतलब ब्रांड ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है या नहीं किया, क्या आप उसको लगा सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं या नहीं, उसको वीरू कहते हैं, VER. लिस्टिंग आते हैं कि आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली है, अब आपने उसको अपने स्टोर पे लगा दिया, ये लिस्टिंग होती है, ठीक है? हंटिंग है कि आप ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो क्या कि आपके हर क्राइटेरिया पे पूरी उतरी है कि मैं उसको अपने लगा सकता हूँ, मुझे देगी, ब्रांड ने रिस्ट्रिक्ट तो नहीं की हुई, सारी चीजें देखते हैं आप, ठीक है? और उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आता है लिस्टिंग के बाद, फिर आप उसको जो आपकी सोर्सिंग वेबसाइट है वहां पे जाकर आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपके पास किस किस तरह के अकाउंट होने चाहिए. एक तो आपका मार्केट प्लेस पे अकाउंट है, प्लस आपका अकाउंट सोर्सिंग वेबसाइट के ऊपर भी है जहाँ पर आपने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अटैच किया हुआ होता है, ठीक है? अच्छा जी, आप बताएं, आपको ऑर्डर आएगा अमेज़न के ऊपर, फिर आप क्या करेंगे? फटाफट आने चाहिए आंसर, आप बताएं, आपका अमेज़न का स्टोर है, आपने लिस्टिंग की थी, आपको ऑर्डर आ गया, आप क्या करेंगे, आपको क्या स्टेप होना चाहिए फॉलो? ऑर्डर भेज देंगे. अच्छा आप बताएं, हाँ एग्जैक्टली यही सुनना चाह रही थी मैं. हाँ जी, उधर नहीं देंगे, अपने बायर को सीधी भेज देंगे, ठीक है? हमारे पास अमेज़न पे हमने लिस्ट किया हुआ था, हमारे पास ऑर्डर आया, हम फटाफट अपनी सोर्स वेबसाइट पे गए, वहां हमने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, कार्ड अटैच किया हुआ था, हमने वो चीज उसी वक्त वहां से ऑर्डर की, अपने बायर का एड्रेस दिया और उसके घर सीधी चीज पहुंच गई.
हाँ तो इसीलिए तो लोग लिस्टर टूल यूज करते हैं, लिस्टर टूल। ठीक है, अगर सपोज आपने मैनुअल लिस्टिंग की थी और आपको वो चीज कहीं से नहीं मिल रही, फिर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं ना गूगल के ऊपर कि वो चीज कहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मिल रही है तो आप उसको बाय करके भेज देते हैं, अदरवाइज आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप बार बार ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो आपका बैड इम्पैक्ट होगा, आपकी मार्केट प्लेस आप प्लेस जो है वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगी कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, और इसकी बेस पे कई दफा अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएंगे। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाए ना तो फिर अकाउंट भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो भी सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में है, यूके यूएसए इंडिया में, बाकी हर जगह पर लोग पहले पैसे देते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं जब ऑनलाइन, तो पहले पैसे देते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। हमारा कस्टमर हमें सबसे पहले पैसे देगा, क्योंकि हम हमने अपना क्रेडिट कार्ड वहां पे दिया और वो हमारे क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड। अब आप ये दो चीजों को बिल्कुल मिक्स ना करें, जो हमारी यहाँ पर हमारे कस्टमर का और मार्केट प्लेस का। हाँ जी, वो रखता है जो न्यू अकाउंट होते हैं उनके ऊपर रखता है, बाकी भी जब चीजें सर्कल में आ जाती हैं उसके बाद टाइम तक कस्टमर के पास चीज रिटर्न करने का टाइम होता है ना, तब तक होल्ड कर सकता है लेकिन करता नहीं है। फिर ये होता है कि वो विदिन अ वीक आपको भेजता रहता है, ईबे जो है वो 90 डेज के लिए भी ब्लॉक कर देता है, ईबे की पॉलिसी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन न्यू अकाउंट के ऊपर जो एक चलता हुआ अकाउंट है ना उसमें आते हैं, हम न्यू अकाउंट की बात कर रहे हैं। अभी आपने अपनी सेलिंग हिस्ट्री बिल्डिंग की हुई, ठीक है, शुरू में 20 to 22 days ब्लॉक करता है पैसे आपको। ठीक है, फिर जब आपकी सेलिंग हिस्ट्री जरा बिल्ड हो जाती है, फिर सर्कल में आ जाती है, फिर जल्दी जल्दी पैसे भी आपको आ जाते हैं। ठीक है, वो आप लोगों की जो ट्रैकिंग हिस्ट्री होती है ना उसके ऊपर होता है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जी? नहीं, नहीं। देखिए, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपने चीजें बहुत ज्यादा बल्क में लिस्ट करनी है। ठीक है, जब आप बल्क में लिस्ट करते हैं तो आपको बल्क में ऑर्डर आते हैं ज्यादा। ड्रॉप शिपिंग में आपका पैसा तभी बन रहा होता है जब आपको ज्यादा ज्यादा ऑर्डर आ रहे होते हैं। आप लोग जनरल मर्चेंडाइज करते हैं या जो जेनेरिक सी कैटेगरीज है वो सिलेक्ट करें? ग्रोसरी वगैरह के लिए समटाइम्स होता है कि वो आपसे कोई लेटर भी मांग सकता है, अप्रूवल चाहिए होती है कुछ चीजों के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब आप अमेज़न का नया अकाउंट बनाते हैं ना तो उसके ऊपर आपके ऊपर लिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होती कि आपने 10 लिस्टिंग करनी है, 100 करनी है, 150 करनी है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ईबे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, ईबे का बेशक आप बिजनेस अकाउंट स्टार्ट में ले रहे ना $25 वाला, तो भी वो आपको 10 लिस्टिंग की इजाजत देता है शुरू में। फिर जब आप देखता है कि इसने प्रॉपर लिस्टिंग की है, कस्टमर को प्रॉपरली चीजें भेजी है, ट्रैकिंग है, प्रॉपर टाइम पर शिप की है, कस्टमर सर्विसेज अच्छे से की है, फिर वो ग्रेजुअली आपकी लिमिट बढ़ाता है।
ईबे आपको एकदम से इजाजत नहीं देता। हाँ जी, क्या डिस्कशन हो रही थी, क्या फाइनल हुआ? अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करें तो फिर वेयर हाउस खोलना जरूरी है ना। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन था कि एलएलसी कैसे क्रिएट की जाए पाकिस्तान से, ठीक है। एलएलसी क्रिएशन के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं बनी हुई हैं जो कि आपको एलएलसी क्रिएशन की और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और वो $600 से लेकर $1500 तक आपसे चार्ज करती हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड दोज कंपनीज। आप लोगों के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है फाइबर, क्योंकि वहाँ से स्कैम के चांसेस सबसे कम है। आप fiverr.com पर जाएं, यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, बायर अकाउंट, ठीक है। और एक तो हर जगह कहते हैं पहले अकाउंट बनाओ। मेरी मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस एफबी होलसेल में। ड्रॉपशिपिंग में मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ। मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस ड्रॉपशिपिंग में ईबे पर है, शॉपिफाई के ऊपर है, वूकॉमर्स के ऊपर है, वूकॉमर्स, ठीक है। और एफबी होलसेल पे यूएसए मार्केट में मैंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, और पीएल मैंने की हुई है यूके में। किसी का अकाउंट है फाइवर पे? ये देखिए, फाइवर आप लोगों को पता है ना सबको, वेबसाइट का कोई ऐसा है जिसको फाइवर का ना पता हो? रेज योर हैंड। आपको नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता होगा, पता है आपको? फाइवर जो है ये फ्रीलांसर्स वेबसाइट यूज करते हैं टू हंट द क्लाइंट्स, ठीक है। या फाइवर के ऊपर ये होता है कि आप अपनी जो सर्विसेज सेल करें, जैसे आप अमेजन के विजुअल असिस्टेंट बन जाए, तो आपने यहाँ पर जाकर अपना एक सैलर अकाउंट बनाना होता है, और आपने एक गिग बनानी होती है, अपने आप अपनी सर्विसेज की एड बनानी होती है, ठीक है। और वहाँ से फिर आपको जो क्लाइंट देखता है कि आपकी सर्विसेज ठीक है, प्राइसिंग ठीक है, वो आपसे फिर कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको सारे तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले सबसे सेफेस्ट वे जो है वो फाइबर है, क्योंकि फाइबर के ऊपर जो लोग गिग बनाते हैं उनको बहुत ज्यादा इशू होता है कि हमें बैड रिव्यू ना मिल जाए, यहाँ पर स्कैम के चांसेस कम है, ठीक है। ये देखें, एलएलसी रजिस्ट्रेशन विद ईआईएन। ईआईएन क्या होता है? टैक्स नंबर होता है, यूएसए में ये टर्म यूज होती है, एनटीएन, एग्जैक्टली। और यूके में ज्यादा चलता है वैट, ठीक है। या तो दो तरह के सेलर होते हैं, या वैट रजिस्टर्ड होते हैं या नहीं होते, ठीक हो गया। तो आप ये कंपनीज फाइवर से सर्च कर सकते हैं, राइट। ये देखिए बहुत सारी कंपनीज है, और ये सारी पाकिस्तानी लोग आ रहे हैं, इनके नेम भी आ रहे हैं, एलएलसी अकाउंट क्रिएशन।
नहीं, वो आपको सिर्फ आपकी कंपनी क्रिएट करके देंगे, मतलब क्या आप प्रोडक्ट क्या ये सिर्फ आपको, ये लॉयर या अकाउंटेंट्स होते हैं बेसिकली, इन्होंने क्या किया होता है यूएसए में, अगर यूएसए का इनका बिजनेस है वहां पर भी इनका एक ऑफिस होता है, वहां पर इनका लॉयर इनका अकाउंटेंट या उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन की होती है, एक आधा ऑफिस यहाँ बनाया हुआ होता है, एड्स चलाई हुई होती हैं यहाँ पर, अगर किसी किसी ने बिजनेसमैन ने या किसी पर्सन ने अमेरिका में अमेजन का काम करना है तो वो फिर इनके थ्रू अपनी कंपनी क्रिएट करवा लेते हैं, जिसे ये फिर अपनी फीस चार्ज कर लेते हैं, ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल पर जाएं, सर्विस प्रोवाइडर्स प्राइवेट रजिस्ट्रेशन, नहीं एनएलसी रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान, एड्स को आप छोड़ दें, कंपनी रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान बाय सिनर्जी बिजनेस। तो इस तरह आपको गूगल के ऊपर भी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। तीसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने नेम सुना होगा सनी अली का, सुना या आपने सुना होगा बीबीसी, हाँ बीबीसी, ठीक है, बीबीसी का ग्रुप बना हुआ है उधर फेसबुक के ऊपर भी, इसी तरह एक और भी है नेबलर्स है शायद, एनेबलर्स का भी ग्रुप बना हुआ है फेसबुक के ऊपर, आप लोग वो ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहां पर बहुत सारे एलएलसी वाले आपको मिलेंगे। आप वहां पर एक मैसेज टाइप करेंगे ना ग्रुप में जाके कि आई नीड अ सर्विस प्रोवाइडर हु कैन हेल्प मी टू रजिस्टर कंपनी इन यूएसए और यूके, इस तरह को कोई भी मैसेज कर दे, उर्दू में लिख दें कि मुझे कंपनी रजिस्टर करवानी है, तो आपको 10 मैसेज आ जाएंगे। उन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी आपको दे देने हैं, अपनी ऑफिस की लोकेशन भी बतानी है, आप पर्सनली जाकर उनका ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बाकी मैं आप लोगों को अकाउंट क्रिएशन का बता रही थी, अमेजन अकाउंट का, दिस इज द इजीएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि अमेजन के ऊपर ईबे के ऊपर आप जब जाते हैं ना कोई भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हर काम को इतना इजी बना दिया कि फॉर्म की शक्ल में आपको चीज दे दी है, उसके साथ हेड्स होते हैं जैसे कि योर नेम, तो आपने उस बॉक्स में नेम ही टाइप करना और क्या करना, ठीक है, योर एनआईसी नंबर, आपने उसमें एनआईसी नंबर टाइप कर देना है, दैट्स इट। तो उसमें कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इवन देन मैंने स्क्रीनशॉट्स के साथ बना दी है आप लोगों के लिए स्लाइड, आप उसको देख लीजिएगा, आपके पोर्टल पर मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा, मैंने अपनी टाइमिंग जो है वो 6 बजे तक करवा ली है, तो 6 बजे तक हूँ यहाँ पर ऑफिस में, आप लोगों को कुछ पूछना हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ? बेसिकली हमारा ये जो कोर्स है ना, ये है अमेजन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, ठीक है, प्योरली हमने सिर्फ अमेजन की ड्रॉप शिपिंग पे काम करना है फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है। जो पीछे मैंने आपको सारा बताया था वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का जस्ट एक ओवरव्यू बताया था, ताकि आप लोगों को उसकी ड्रॉप शिपिंग भी नो हाउ हो, ठीक है। तो अब हमने अमेजन अकाउंट बनाना सीख लिया है, आप लोगों से मैंने मंडे वाले दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं कि हाउ टू क्रिएट द अमेजन अकाउंट, जो उसको पढ़ के आएगा यूट्यूब के ऊपर देखेगा गूगल के ऊपर सर्च करेगा वो मुझे आंसर कर सकेगा, ठीक है। वो अमेजन की क्लास में करेंगे आप उसमें हो,
मैंने आप लोगों को कल बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन किया था, हम लोगों ने एक क्रोम प्रोफाइल भी ऐड किया था, याद है सबको? हाँ, हमने वहां पर एक नया जीमेल अकाउंट बनाया था, उस नए जीमेल अकाउंट से हमने फिर सेलर सेंट्रल पे एक अकाउंट बनाया था। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपने नया क्रोम प्रोफाइल बनाना है आपने इस साइन पर जाना है। यहाँ पर आपको दो साइंस नजर आ रहे होंगे, ये वाला जो है ये आपके जीमेल पर आपको ले जाएगा, जो टॉप पर लगा होता है ये आपके क्रोम प्रोफाइल पे लगा हुआ होता है, ठीक है? जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके जितने क्रोम प्रोफाइल्स हैं वो सारे खुल गए। जब आपने न्यू बनाना है तो आपने ऐड पर जाना, फॉर एवरी न्यू क्लाइंट, फॉर एवरी न्यू अकाउंट मेक अ न्यू क्रोम प्रोफाइल। ये सबसे बेसिक चीज है, क्योंकि जो भी नया क्रोम प्रोफाइल होता है उसके अंदर उसकी सारी हिस्ट्री वगैरह उसी में सेव होती है। उसमें आप लोगों को भी आसानी होती है, जो आपने काम किया होता है वो फिर उसके अंदर सेव होता है, आप हिस्ट्री में जाके उसको निकाल भी सकते हैं, गुम नहीं होता। अगर तो आपका जीमेल बना हुआ है तो यहाँ से सीधा सीधा साइन अप कर लें, अदरवाइज कंटिन्यू विद एन अकाउंट विदाउट एन अकाउंट ठीक करें। उसका कोई भी नेम रख लें, ABC, ये आपका प्रोफाइल बन गया, ठीक है? और अगर आपने जीमेल बनानी है तो यहाँ पर आप सीधा लिखें जीमेल साइन अप, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट का। यहाँ से जाके आप अपना फॉर माई सेल्फ पर्सनल यूज, चाइल्ड, फॉर माई वर्क पर्सनल यूज के लिए आप अपना जीमेल बना लें, और फिर उसके साथ आप उस जीमेल अकाउंट के साथ आप सैलरी सेंट्रल का अकाउंट, सैलरी सेंट्रल का अकाउंट बना लें। अमेज़न अकाउंट बनाने से पहले आपको एक जीमेल चाहिए, ठीक है? ऑलरेडी वाले ना यूज करें, ये तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, नए बनाए जी, बिल्कुल। कई दफा क्लाइंट जो है वो आपको अकाउंट क्रिएट करके देगा, बल्कि ज्यादा कोशिश किया करें कि जो क्लाइंट आए थोड़ा एजुकेटेड हो तो उसको एम्फसाइज करें कि वो अकाउंट क्रिएट करके दे, ठीक है? उसे पूछ ले डिटेल में कि आप बना सकते हैं अकाउंट, अगर तो कहता है हाँ मैं बना लूंगा, बना कर सकें कि फिर मुझे दे दे। उसमें फिर ये भी होता ना कि अगर वो अकाउंट बना सकता है, सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकता है, वो करके आपको फिर चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे देगा अमेज़न की। फिर आप अमेज़न पे कैसे सेल करेंगे अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा? आप अमेज़न पे कैसे सेल करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे अगर आपका अकाउंट नहीं होगा? यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हैं, एट द टॉप